हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे पास जो बड़ा सा ट्रैक्सस का ट्रक है उसके अंदर अपग्रेड करने के लिए, तो आज ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक को अपग्रेड करेंगे। साथ में मेरे पास जो जॉम्बी हंटर कार है उसको भी अपग्रेड करेंगे और मेरे पास जो ट्रैक्टर्स है उनके अंदर भी अपग्रेड करेंगे। गाइज, इतनी खतरनाक तरीके से अपग्रेड करने वाला हूँ कि यार इस तरीके का अपग्रेड आपने पूरे यूट्यूब पे यानी कि पूरे इंटरनेट पे ही नहीं देखा होगा। तो चलो इन तीनों को बनाते हैं अब किलर आरसी मशीन। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ पीवीसी शीट का इस्तेमाल किया था इनको अपग्रेड करने के लिए, पर इस बार मैं पीवीसी शीट के साथ साथ मेटल की शीट का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। पहले मैं ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक को अपग्रेड करूंगा। गाइज, इसके लिए मैंने एक पीवीसी पाइप को ले लिया है यहाँ पे। अब इसको मैं अच्छे से हीट करने वाला हूँ ताकि इसको मैं मन चाह शेप दे सकूँ। देखो, अच्छे से हीट हो चुकी है। अब इसका एक शीट बन के रेडी हो चुका है। शीट के ऊपर मैंने कलर भी कर दिया, इसके अंदर मैं बहुत सारे स्पाइक्स भी ऐड करूंगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कलर भी कर देते हैं। पीछे की तरफ मैंने एक मेटल की शीट भी लगा दी है। ये काफी भारी भरकम हो चुका है। अब देखो गाइस, ये काफी मस्त तरीके से चमचमाने लगा है। इसी तरीके से मैंने जॉम्बी हंटर ट्रक का भी बम्पर रेडी कर लिया है। इसके अंदर भी मैं काफी सारे स्पाइक्स लगाने वाला हूँ। पेंट करने के बाद ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेटल का इस्तेमाल किया है ताकि इसका बम्पर काफी मजबूत बन सके। अब ये जो चीज आप देख रहे हो ये लगेगी जॉन डीर के सामने। आज जॉन डीर को भी किलर जॉन डीर बनाते हैं। अब इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अब ये तीनों के बम्पर जो है रेडी हो चुके हैं, पेंट भी सूख चुका है। अब इनके अंदर डालते हैं ये होल्स। सबसे पहले ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक के अंदर होल्स मैं डालने वाला हूँ। उसके अंदर तकरीबन मैंने 100 से भी ज्यादा होल्स डाल दिए हैं। इतने ढेर सारे स्पाइक्स आज मैं इसके अंदर लगाने वाला। फिर मैंने जॉम्बी हंटर के बम्पर के अंदर भी इस तरीके के बहुत सारे होल्स डाल दिए हैं। उसके अंदर देखो, मैंने फटाफट तरीके से ये काफी सारे स्पाइक्स को भी ऐड कर दिया है। इसके अंदर तकरीबन 80 से भी ज्यादा स्पाइक्स ऐड हो जाएंगे। देखो गाइस, ये चीज करना काफी ज्यादा रिस्की, आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अब इसको फिट करते हैं अपने जॉम्बी हंटर ट्रक के सामने। इसको मैंने फिट कर दिया है कंप्लीटली। सेम इसी तरीके से ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक का बम्पर भी रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने देखो इतने ढेर सारे स्पाइक्स ऐड कर दिए हैं। अब ये बम्पर लगाते हैं सीधा ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक के सामने। यहाँ पे मैं स्क्रू फिटिंग भी करने वाला हूँ, साथ में ग्लू भी डालूंगा ताकि इसका जो बम्पर है वो काफी ज्यादा मजबूत हो सके। ये भी रेडी हो चुका है। अब सबसे लास्ट में अपनी जॉन डीर का बम्पर लगाते हैं। देखो, इसका बम्पर एकदम रेक्टेंगल शेप का है, पर इसके अंदर जो स्पाइक्स है वो थोड़े से कम ऐड हुए हैं दोनों मशीन के मुकाबले में। इसके अंदर भी मैंने स्क्रूज के साथ साथ ग्लू भी ऐड किया है ताकि इसका जो बम्पर है वो काफी ज्यादा मजबूत बन सके। ये लगाने के बाद स्वराज तो यार काफी खतरनाक सी लग रही है। तीनों की तीनों बिल्कुल किलर आरसी लग रही है आज। भाई, इनके सामने जो भी आएगा उनका कचूमड़ बन जाएगा पूरी तरीके से। गाइस, अगर आप चाहते हो ये स्वराज 855 और थार को भी मैं अपग्रेड करूं सेम इन तीनों की तरह, तो नीचे कमेंट में यस बोल के टाइप कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इनको भी अपग्रेड करके मैं दिखा दूंगा। अब इन तीनों को एक एक करके टेस्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, इनका बम्पर प्रॉपर तरीके से फिट हुआ है या फिर नहीं, स्पाइक सही तरीके से लगे या नहीं, ये एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मेरे को एग वाला टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 3x को रख दिया है। देखते हैं गाइस क्या ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक तीनों को इकट्ठा फोड़ पाएगी या फिर नहीं। अब देखते हैं गाइस 3x टूटे हैं या फिर नहीं। 33, ये सिर्फ एक एक तोड़ पाई है। इसका मतलब ये है कि इसका बम्पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिट नहीं हुआ है। इसके लिए मेरे को इसका बम्पर एक्सटेंड करना पड़ेगा, साथ में इसके अंदर और ज्यादा स्पाइक्स ऐड करने पड़ेंगे। अब सेम एक टेस्ट किलर जॉन डीर के साथ करके देखते हैं गाइस इसके साथ क्या होता है। तीनों एक्स को इसने इकट्ठा रौंद के रख दिया, यानी कि इसका जो बम्पर है वो एकदम परफेक्टली फिट हुआ है यहाँ पे। अब जॉम्बी हंटर की बारी है। यहाँ पे जॉम्बी हंटर भी देखो सिर्फ 2x तोड़ पाई है। एक एक तो नीचे गिर चुका है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस काफी कम हो गई है गाइस, तो इसका बम्पर एडजस्ट करके थोड़ा सा बम्पर ऊपर की तरफ फिट करते हैं। इसके अंदर और ज्यादा स्पाइक्स भी मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक के अंदर ऐड किया था। तो ओके, तीनों के बम्पर काफी सही तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। अब एकदम खतरनाक वाले टेस्ट की शुरुआत करते हैं गाइस। ओके, सबसे पहला टेस्ट होगा सॉफ्ट ड्रिंक कैन टेस्ट। सबसे ज्यादा कैंस को कौन तोड़ेगा वो होगा यहाँ पे विनर। सबसे पहला टेस्ट यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ जॉन डीर का। भाई, इसने काफी जोर से इन कैंस को टक्कर मारी है और सारे के सारे कैंस जो है यहाँ पे नीचे गिर चुके हैं। देखते हैं गाइस गिन के ये कितने कैंस को तोड़ पाई है। एक कैन तो इसके नीचे आ चुका है और ये कम्प्लीटली पंचर हो चुका है। हर जगह से इसके अंदर 5-6 छेद काफी आराम से हो चुके हैं। ये दूसरा वाला है, ये तीसरा है, ये चौथा। ओ भाई साहब, इसकी तो हालत देखो काफी बुरी हो चुकी है। यहाँ पे जॉन डीर ने तकरीबन 4 कैंस तोड़े हैं गाइस। अब यहाँ पे वापस से मैंने बहुत सारे कैंस रख दिए हैं। देखते हैं ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक कितने कैंस को तोड़ पाएगी।
ये आ रही है अपनी ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक। ओ भाई, इसका बम्पर थोड़ा सा बड़ा होने के कारण मेरे को लग रहा है इसने काफी ज्यादा यहाँ पे कैंस को डैमेज किया है। एक बार गिन के देख लेते हैं गाइस इसने कितने कैंस तोड़े। एक कैन तो इसके नीचे ही आ चुका था, ये दूसरा वाला है पेप्सी का, ये तीसरा वाला, इसके अंदर देखो गाइस 5-6 छेद हो चुके हैं इकट्ठा। मिरिंडा वाले कैन की तो हालत काफी बुरी हो चुकी है। ये देखो, ये एक और मिरिंडा है मेरे पास, इसने तकरीबन गाइस 6 कैंस काफी आराम से तोड़ के रख दिए हैं। बाकी 2 कैंस देखो यहाँ पे अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। अब ज़ॉम्बी हंटर की बारी है, ये इसने टक्कर मार दिया, टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक थी। 2 कैंस तो इसके नीचे ही आके पिचक चुके हैं। मेरे कैमरे के ऊपर पूरा सॉफ्ट ड्रिंक ही सॉफ्ट ड्रिंक गिर चुका है गाइस। थोड़ा सा मैं इसका लेंस क्लीन कर देता हूं भाई, ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। ये देखो, ये तीसरा कैन है, 2 तो इसके नीचे पड़े हुए हैं, इनके अंदर 6 देखो कितने बड़े बड़े गिर चुके हैं। गया ये तो ठीक ठाक है, और एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, ये 4th वाला कैन है, इसने भाई तकरीबन 4 कैंस तोड़े हैं, और अपनी जॉन डीर ने भी 4 कैंस तोड़े थे, पर यहाँ पे विनर है अपनी ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक, क्योंकि इसने 6-6 कैंस तोड़ दिए थे एक टक्कर में ही। तो गाइस अब आरसी ट्रक के साथ और आरसी ट्रैक्टर के साथ तरबूज वाला टेस्ट करके देखते हैं। देखो इसका जो शेल है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, देखते हैं अपनी आरसी ट्रक और आरसी कार और आरसी ट्रैक्टर क्या इसको तोड़ पाएगी या फिर नहीं। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, अब सीधा लेके आके इसको टकराते हैं गाइस। देखो ट्रक जा रही है अपनी, ओ यहाँ पे ट्रक पूरी कोशिश कर रही है। ओहो देखो गाइस, इसके जो स्पाइक्स है इसके अंदर घुस चुके हैं, थोड़ा सा मैं पीछे लेके भी दिखा देता हूँ। पर ये तरबूज को 2 टुकड़ों में तोड़ नहीं पाई है, फिर एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो 1.5 इंच तक जो है इसके स्पाइक्स तरबूज के अंदर घुस चुके थे, 5 बड़े बड़े होल्स इसके अंदर गिर चुके हैं। ये तो नहीं तोड़ पा रही है गाइस, देखो सिर्फ इसके अंदर होल्स डाल पा रही है, इसको निकाल देते हैं। ओ काफी अंदर तक इस बार जो स्पाइक्स है वो घुस चुके हैं। तरबूज की हालत आप देख सकते हो, देखते हैं इस तरबूज इसके सामने टिकेगा या फिर नहीं। यहाँ पे अपनी ज़ॉम्बी हंटर और अभी टकराने वाले स्पीड बनाता हूँ, टकरा चुकी है ऑलमोस्ट। ये टायर देखो गाइस पूरा यहाँ पे पिचक चुका है इसका, पीछे ले लेते हैं फिर इसी तरीके से एक बार टकराते हैं। तो इसने कितना ज्यादा इम्पैक्ट किया एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो तरबूज की हालत खराब हो चुकी है, पर ये तरबूज भी देखो 2 टुकड़ों में नहीं टूटा है, पर इसके ऊपर डैमेज काफी ज्यादा हुआ है गाइस। देखते हैं जॉन डीर इसको 2 टुकड़ों में तोड़ पाएगी या फिर नहीं। ये टकरा चुकी है भाई, देखो कितना तेजी से टकराई है, यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है इसको कट करने के लिए। तो इस ट्रैक्टर जो है उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाई है यार इसके ऊपर। देखो यहाँ पे छोटे छोटे से 5-6 छेद बन चुके हैं, बाकी यार तरबूज को ज्यादा डैमेज जो है अपनी ज़ॉम्बी हंटर ने किया है। तो दूसरे टेस्ट की विनर है ज़ॉम्बी हंटर ट्रक। अब तीसरा टेस्ट करते हैं गाइस। तो गाइस अब मैं बॉल वाला टेस्ट करने वाला हूँ। देखो ये बॉल काफी ज्यादा बाउंसी है और ये कम्प्लीटली रबर का बना हुआ है। देखते हैं गाइस आरसी ट्रक, आरसी ट्रैक्टर और ज़ॉम्बी हंटर क्या इसको फोड़ पाएंगी या फिर नहीं। चलो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बॉल से टकराने वाली है ट्रैक्सिस अल्टीमेट ट्रक। ये देखो मैंने टकरा दिया है, पर बॉल यहाँ पे फूटा नहीं है गाइस, सिर्फ पंचर हुआ है। पर इसके जो स्पाइक्स है देखो अंदर फंसने के कारण बॉल पिचक गया है कम्प्लीटली। एक बार बॉल निकाल के आपको मैं दिखा देता हूँ। ओ हो, ये देखो यार बॉल की हालत कितनी ज्यादा खराब हो रखी है। ज़ॉम्बी हंटर ट्रक को भी टकरा के देखते हैं। माय गॉड, टकराते ही देखो यार ये बॉल को लेके सीधा दीवार के ऊपर चढ़ने वाली थी। देखो बॉल लगते ही एकदम से फट चुका है, मतलब 2 टुकड़ों में फट गया गाइस ये तो। अब ट्रैक्टर की बारी है, ये ट्रैक्टर ने क्या कर दिया, ट्रैक्टर ने तो गाइस बॉल को किक मार दिया और बॉल आगे यहाँ पे गिरा है। ये फूटा तो नहीं है पर देखो पंचर हो गया है। तो क्लियरली ये टेस्ट का विनर है अपना ज़ॉम्बी हंटर ट्रक। अब करते हैं 4th टेस्ट। ये टेस्ट थोड़ा सा खतरनाक है गाइस। यहाँ पे मैंने 3 ट्यूबलेट्स रख दिए हैं, देखते हैं कौन 3 ट्यूबलेट्स को इकट्ठा तोड़ पाएगा। ये तो ट्यूबलेट्स को आगे ढकेल के लेके जा रही है, फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं गाइस। इस बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। ओ भाई, सामने वाली ट्यूबलेट टूट गई है, पर 2 ट्यूबलेट्स वैसे के वैसे ही है। देखो गाइस सिर्फ ये 1 ट्यूबलाइट तोड़ पाई है। अब जॉन डीर की बारी है, देखते हैं गाइस ये कितने ट्यूबलेट्स को तोड़ पाएगी। अब मैं इसको चलाने वाला हूँ। ये जॉन डीर ने भाई 1 ट्यूबलाइट तो तोड़ दी है। अब देखते हैं बाकी 2 ट्यूबलाइट्स को ये तोड़ पाएगी या फिर नहीं। मेरे को इसको थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। और ओ माय गॉड गाइस, इसने 3 ट्यूबलाइट्स को तोड़ दिया है, वो भी बहुत ही स्लो स्पीड में। अब आ रही है अपनी सबसे खतरनाक
ज़ॉम्बी हंटर ट्रक। ओ भाई लिटरली देखो गाइस, ये जरा भी नहीं रुकी है। क्लियरली इसने एक बार में ही तीनों ट्यूबलेट्स को तोड़ के रख दिया है। तो ये वाली टेस्ट की विनर है अपनी ज़ॉम्बी हंटर ट्रक। अब फिफ्थ टेस्ट करके देखते हैं गाइस। मेरे पास बहुत सारी थर्माकोल की शीट्स हैं, टोटल 5 मेरे पास शीट है। इन 5 को इकट्ठा करेंगे तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो जॉन डीर को सबसे पहले मैं टकराने वाला हूँ, देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, ये फ्लेक्सिबल होने के कारण जॉन डीर इनको नहीं तोड़ पाई है। फिर मैंने ट्रैक्सेस अल्टीमेट ट्रक के साथ भी इनको तोड़ने के लिए ट्राई किया था। ट्रैक्सेस अल्टीमेट ट्रक नीचे से एक छोटा सा छेद करके आगे निकल गई थी, पर इसने भी बीच में से इनको नहीं तोड़ा है। अब ये वाले ट्रक को देखते हैं गाइस, क्या ज़ॉम्बी हंटर ट्रक इनको तोड़ पाएगा या फिर नहीं। शिट भाई, ज़ॉम्बी हंटर ट्रक ने तो इनको तोड़ दिया था, पर थर्माकोल के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट जो है ज़ॉम्बी हंटर ट्रक ने ही किया है। तो यहां पे भी ये वाला ट्रक जीत चुका है। इन तीनों के अंदर ये स्पाइक्स लगाने के बाद इनका वेट जो है वो सामने की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन तीनों के बीच में एक बार रेस भी करा के देख लेते हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा फास्ट अभी भी कौन चल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि भाई तीनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे हैं, पर अचानक से देखो गाइस सेकेंड गियर डालने के बाद अपना ज़ॉम्बी हंटर ट्रक इन दोनों को पीछे छोड़ चुका है। यहाँ पे ज़ॉम्बी हंटर ट्रक मेरे को इन दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा तेज लग रहा है। वहीं ट्रैक्सेस अल्टीमेट ट्रक थोड़ा सा स्लो हो चुका है और जॉन डीर भी थोड़ा सा स्लो पड़ चुका है अपग्रेड करने के बाद। सबसे लास्ट में मैंने ग्रास टेस्ट भी करके देखा है इन तीनों के बीच में। यहाँ पे ज़ॉम्बी हंटर ट्रक पहले ज्यादा ग्रास होने पे प्रॉपर तरीके से नहीं चलती थी, ये बार बार फंस जाती थी, पर ये स्पाइक्स लगाने के बाद देखो गाइस ये झाड़ियों को एकदम तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर मैंने सेम टेस्ट ट्रैक्सेस अल्टीमेट ट्रक के साथ भी करके देखा है। ये ट्रक तो भाई लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। देखो ये झाड़ियों को अंदर से उखाड़ के लेके आ रही थी। देखो गाइस इतनी झाड़ियां होने पे पहले फंस जाती थी, पर सामने स्पाइक्स लगाने के बाद अब ये झाड़ियों को लिटरली एकदम से उखाड़ के आगे बढ़ने लगी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों में से आज सबसे ज्यादा खतरनाक कौन लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। पहला नाम है राजकुमार, सेंथिल, प्रतीक, हीरत, हफीज, तलहा, भावदीप, विनीत, दीपक, विनायक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो ये वाली वीडियो पे जरूर से एक लाइक कर देना यार, साथ में नीचे कमेंट भी कर देना। बाय बाय गाइस।